स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए हम लोग फटाफट करंट अफेयर्स के टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है, एक पुस्तक है जिसका नाम है करुणानिधि अ लाइफ, इसके राइटर कौन है? तो करुणानिधि अ लाइफ इसके राइटर कौन है, आपको विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट इसका आंसर देते चलना है। तो पहले प्रश्न के लिए विकल्प सी A.S. पन्नीरसेल्वन आपका बिल्कुल सही रहेगा। पन्नीरसेल्वन हमारे करुणानिधि इस पुस्तक के राइटर हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं, अब तक बिहार के कितनी वस्तुओं अथवा उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो बिहार के टोटल कितने उत्पाद को GI टैग दिया गया है? इस प्रश्न के लिए विकल्प ए टोटल 7 हमारा सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इसके लिए आपका विकल्प सी भारत बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट जो 2021 में हुआ था उसमें जो पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं वो विकल्प ए नोवान जोकोविच हैं। पाँच नंबर पर चलते हैं, वर्ष 2021 के प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2021 में मनाया गया था, इसका मुख्य विषय क्या था? पांचवें नंबर में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करना, यही इसका मुख्य विषय था। छठे नंबर पर चलते हैं, मिस यूनिवर्स 2020 किसे बनाया गया है? एंड्रिया गेजा को बनाया गया है, यह किस देश से संबंधित हैं? तो एंड्रिया गेजा कहाँ पर हैं, ये मैक्सिको के निवासी हैं, विकल्प ए आपका सही रहेगा। सातवें नंबर पर चलते हैं, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है, वर्ल्ड लेवल पर ये अवार्ड दिया गया है, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन 2021 का जो अवार्ड है वो आपका विकल्प बी राफेल नडाल को दिया गया है। आठवें नंबर पर चलते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आठवें प्रश्न में आपका विकल्प बी प्रियांग कानूनगो बिल्कुल सही है। नौवें नंबर पर चलते हैं, बिम्सटेक संस्था का 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो नौवें प्रश्न में विकल्प ए 6 जून बिल्कुल सही है। आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो लद्दाख के गवर्नर हैं विकल्प बी राधाकृष्ण माथुर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।